अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मैं हूँ उमर और आप देखते हैं ऑल इन वन चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको गब्बीन जब्बा के शेर कराने जा रहा हूँ। हमारे 10-12 दोस्तों ने मशवरा किया है कि हम इस मरतबा गब्बीन जब्बा की तरफ जाना है। बहुत ही ख़ूबसूरत टूर था और हमारे दोस्त भी हमारे पास थे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर पहुंचे। दोस्तों, सुबह के टाइम में रवाना हुई तो हम सुबह का वक्त था और ये है मटा, बाबी मटा। जब आप इस जगह पे दाखिल होते हैं तो उसके बाद मटा आता है, फिर एक ख़ूबसूरत वादी आपको नज़र आते हैं। तो दोस्तों ने मशवरा किया है कि हम जाना पड़ेगा इधर गब्बीन जब्बा को। तो सुबह का वक्त था कि हम लोग रवाना हुए हैं। हमारे पास इस टाइम फ्लाइंग कोच था क्योंकि दोस्त ज़्यादा थे, तो फ्लाइंग कोच में हम सवार होकर गब्बीन जब्बा की तरफ रवा दवा है ना। तो फिर जब बाबी मटा को हमने क्रॉस किया तो आप ये देखते हैं मटा की बाज़ार करीब होने वाला है और बेहतरीन बाज़ार है, बड़ा बाज़ार है। ये है मटा बाज़ार, आप देख सकते हैं इसमें सारे बिजनेस हो रही है। मटा बाज़ार से हम गुज़रते हुए सीधा जब हम लालकू पहुँचे हैं ना, तो लालकू से ऊपर ये रोड, ये आप मटा चौक देख रही है, मटा चौक। तो दोस्तों ने मशवरा किया कि हम गब्बीन जब्बा की तरफ जाना है। दोस्त तकरीबन मुझे 12-13 थे और 12-13 में से 5 दोस्तों ने कहा है कि हम कलाम जाना पसंद करते हैं और बाकी दोस्तों ने कहा कि हम गब्बीन जब्बा जाना है। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गब्बीन जब्बा को जा रहा था तो सब लोगों ने गब्बीन जब्बा को सेलेक्ट करके, फिर ये है गब्बीन जब्बा का सड़क जो आप देखते हैं ना, लालकू से ही ऊपर जगह है, बेहतरीन सीनरी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त टूर था। और काफ़ी पुराने दोस्त थे, अभी इस वक्त इस रोड पे काम जारी था और कंस्ट्रक्शन का ये है, आप देख सकते हैं लालकू से हम ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों, गब्बीन जब्बा का टूर एक ख़ूबसूरत टूर और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। जब हम पहुँचे गब्बीन जब्बा को, पैदल भी रास्ता था तो रास्ता बहुत ज़्यादा था, फिर एक छोटा गाय हमने ले की, फिर उसको ज़बह करने, अभी हमारे दोस्त जानज़ादा उसको ज़बह कर रही है माशाल्लाह। देखिए तो उसके बाद आप बारिश शुरू हुई है, उसके साथ जलाबारी भी शुरू हुई है ना, तो उसके मज़ीद मौसम को भी ठंडा किया है इंतहाई। तकरीबन 1 घंटा तक जो बारिश जारी रहेगा ना, इंतहाई उसके साथ आप देखिए ना, छोटे बच्चे खुश थे और जलाबारी आपको नज़र आती है, हल्का जलाबारी इस वक्त जारी था, उसके बाद जलाबारी तेज़ होने लगा और तकरीबन 1.25 घंटा तक बारिश होने का सिलसिला जारी रह गया था ना। तो दोस्तों, बहुत ही ख़ूबसूरत ट्रिप था। पूरा दिन गुजारने के बाद और रात तकरीबन 11 बजे हम वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए। बहुत ही ख़ूबसूरत टूर था दोस्तों के साथ, ये दिन बहुत ही बेहतरीन दिन गुजारा सब दोस्तों ने। अब देख सकते हैं ये पिक्चर बना रही है बारिश होने के साथ और ख़ूबसूरत जगह है गब्बीन जब्बा। दोस्तों, अगर आप गब्बीन जब्बा नहीं जाते हैं तो अगर आप गब्बीन जब्बा जाना चाहते, बेहतरीन जगह है टूरिज़म के लिए, ज़रूर जाइए, एंजॉय करें, क्योंकि गब्बीन जब्बा एक ख़ूबसूरत जगह है पाकिस्तान का। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छी लगा है
तो दोस्तों ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और जिस दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। दोस्तों अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो तक इंतज़ार करें, मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।